अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए लाई हूँ ढाबा स्टाइल ज़ीरा राइस, बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही कम समय में बनाना बताऊँगी। चलिए बनाना शुरू करती हूँ, देख लेते हैं मैं किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलिए। हमें लेना है एक बर्तन, उसमें डालेंगे आधा कप रिफाइंड तेल। तेल को अच्छे से हीट होने देंगे। इसमें डालना हम लोग को कुछ खड़े हुए मसाले। तेल हमारा अच्छे से हीट हो चुका है, अब इसमें डालेंगे हम लोग दो छोटी इलायची, दो बड़ी इलायची, एक चुटकी सौंफ, एक चम्मच ज़ीरा और एक तेज़पत्ता, एक दालचीनी डालकर। तेल अच्छे से हीट हो चुका है, इसमें डाल दिए हैं, मसाला पक चुका है। इसमें डालेंगे दो गिलास पानी, एक चम्मच भर के नमक हम लोग यूज़ कर रहे हैं, एक किलो बासमती चावल। आप लोग जब भी ज़ीरा राइस बनाओ तो बासमती चावल यूज़ करो, बहुत ही अच्छा होता है और बहुत ही खिला खिला बनकर तैयार हो जाता है। ये देखिए अब इसमें हम लोग डाल दिए हैं दो गिलास पानी, एक किलो चावल में जाएगा दो गिलास भरकर पानी, और अच्छे से एक बॉयल आने का वेट करेंगे। ये देखिए एक बॉयल आ चुका है और चावल अच्छे से 50 से 60% हो चुका है 20 मिनट में। ये देखिए अब इसमें ढक्कन लगा कर कम से कम हम लोग 15 मिनट और धीरे आंच पर पकने देंगे, जिससे परफेक्ट सा और खिला खिला चावल बनकर तैयार हो जाएगा। ये चावल बहुत ही कम समय में और बहुत ही परफेक्ट सा बनकर तैयार हो जाता है। ये देखिए 20 मिनट हो चुके हैं, चलिए इस ढक्कन हटा कर देखते हैं। ये देखिए कितना परफेक्ट सा ज़ीरा राइस बनकर तैयार है, आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिए, खाइए पिए इंजॉय करिए। अल्लाह हाफिज़।